क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, ये बात हम सभी जानते हैं और क्रिकेट की अनिश्चितताएं अक्सर देखने को मिलती भी रहती हैं। इंडिया न्यूजीलैंड के बीच चल रही मौजूदा टेस्ट सीरीज में भी कुछ ऐसी ही अनिश्चितता देखने को मिली, जब बिना एक भी बॉल खेले न्यूजीलैंड का स्कोर 5 रन हो गया था और न्यूजीलैंड को ये तोहफा मिला इंडियन स्पिनर रविंद्र जडेजा की तरफ से। इंदौर टेस्ट मैच के दूसरे दिन न्यूजीलैंड का स्कोर पारी शुरू किए बिना ही 5 रन था। ऐसा रविंद्र जडेजा पर लगे जुर्माने की वजह से हुआ। ऐसा क्रिकेट में शायद बहुत कम देखने को मिलता होगा जब किसी टीम को 5 रन की पेनल्टी मिली हो। दरअसल इंडिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन इंडिया के रविंद्र जडेजा को अंपायर ने पिच के बीचों बीच दौड़ने पर चेतावनी दी, लेकिन जब जडेजा को दूसरी बार वार्निंग दी गई तब न्यूजीलैंड को भी 5 रन का तोहफा दिया गया। इंडिया पर ये जुर्माना पारी के 168वें ओवर में लगा। इसके बाद इंडिया ने अपनी पारी 169 ओवर में 5 विकेट पर 557 रनों पर घोषित कर दी। उस वक्त जडेजा न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट का सामना कर रहे थे, वो पिच के बीचों बीच भागे। इसी के चलते उन्हें अंपायर ब्रूस ऑक्सफोर्ड की ओर से दूसरी वार्निंग भी दी गई और नतीजतन न्यूजीलैंड की पारी की शुरुआत होने से पहले ही उनके स्कोर में 5 रन जुड़ चुके थे।